नमस्ते बच्चों, आज अपन प्रत्यय के जो भाग तृतीय है, मैंने आपको पूर्व में जो प्रत्यय पढ़ाए थे, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीन भाग होते हैं प्रत्यय के। और पहले बताया था कत्वा तुमुन लेप, और भाग दो के अंदर बताया आपको सत्री, सानत, तव्यत और अनियत। आज अपन पढ़ेंगे कत प्रत्यय और कततु प्रत्यय। देखिए, कत प्रत्यय, यह प्रत्यय किस में लगता है? भूतकाल में। देखिए बच्चों, कत और कततु दोनों ही प्रत्यय भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। तो कत प्रत्यय यह प्रत्यय भूतकाल में कर्मवाच्य तथा भाव वाच्य के अंदर प्रयुक्त होता है। इसका शेष रहता है। अब देखिए, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, समझ में आए क्या? इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। देखिए, पुल्लिंग में रामवत स्त्री, लिंग में रमावत तथा नपुंसक लिंग में फलवत चलते हैं। अभी बात सुनिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया कत प्रत्यय किस में लगता है। यह प्रत्यय भूतकाल में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अंदर प्रयुक्त होता है। इसका अशेष रहता है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण इसके, एक धातु है गम, और गम धातु में जब कत प्रत्यय जोड़ते हैं, कत प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो क्या बनता है? पुल्लिंग में गत है, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम। अब देखिए, ये आपका हो गया पुल्लिंग, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग, और ये आपका हो गया नपुंसक लिंग। देखो, इसी प्रकार से खाद धातु है ना, खाद धातु कत प्रत्यय है, खादित है, खादिता, खादितम, खादित है, खादिता, खादितम। इसी प्रकार से रक्ष धातु है और कत प्रत्यय है, रक्षित है, रक्षिता,
रक्षितम। इसी प्रकार से देखिए कि हंस धातु है, हंस धातु और ए कते प्रत्यय है। तो बच्चों हंसिता है, हंसिता, हंसितम, हंसिता है, हंसिता, हंसितम। अब इसके देखिए आगे और उदाहरण कि इस किस प्रकार से चलते हैं। इसी प्रकार से देखो एक धातु है क्री, क्री धातु हूँ, कते प्रत्यय है, तो कृते हैं, कृता, कृतम। एक धातु है क्रीड, क्रीड धातु है और उसमें अपन अवकत प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है क्रीडित है, क्रीडिता और क्रीडितम। दा धातु है और उसमें अपन जब कते प्रत्यय जोड़ते हैं तो दत्त है, दत्ता, दत्तम, दत्त है, दत्ता, दत्तम। इस प्रकार से देखो कि आपको बताऊं आगे कि जो ये कत प्रत्यय है ना जो भूतकाल में लगता है, एक धातु है चल, चल धातु है और कत प्रत्यय है। देखिए क्या बनता है चल का, चलित है, चलिता, चलितम, चलित है, चलिता, चलितम। इसी प्रकार से हंस धातु है हंसने अर्थ में, तो हंस धातु हूं और कते प्रत्यय है, क्या बनेगा हंसित है, हंसिता और हंसितम। ठीक है, अब देखिए अगला प्रत्यय आपका है कतुतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, छठा कतवतु प्रत्यय है, यह है प्रत्यय भूतकाल में, इसमें बच्चों भूतकाल में, समझ में आया कि नहीं, यह प्रत्यय भूतकाल में कर्तृवाच्य में प्रयुक्त, किसमें कर्तृवाच्य में, किस अर्थ में भूतकाल अर्थ में, किस अर्थ में भूतकाल अर्थ में, तो यह प्रत्यय भूतकाल में कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। देखिए पुल्लिंग है, पुल्लिंग में किसकी तरह चलते हैं, भगवत वत यानी भगवान की तरह, किसकी तरह, भगवान की तरह। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में
नदीवत तथा नपुंसक लिंग में जगतवत चलते हैं। अब देखो आप अपन कि इसके उदाहरण अपन कि यह किस में लगता है, कर्तृवाच्य में, और जबकि कत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। अब देखिए प्रत्यय के भाग तृतीय के अंदर अपन पढ़ रहे हैं अभी बच्चों, कर्तृत्व प्रत्यय, ध्यान है ना, यह प्रत्यय भूतकाल में लगता है और कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। अब देखिए इसके उदाहरण, एक गम धातु है और कत्वतु प्रत्यय जब इसमें जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में बनता है गतवान, स्त्रीलिंग में क्या बनता है गतवती, नपुंसकलिंग में गतेवत। अब देखियो यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है और यह आपका नपुंसकलिंग है। अब आप इसको किस प्रकार से देखिए कि जैसे अनिल है गृहम, अब अगच्छत की जगह आप लिख सकते हैं गतवान, अनिल घर को गया था, तो अगच्छत की जगह गतवान कर सकते हैं। मैंने कह दिया प्रियंका कार्यम या गृहम गतवती, प्रियंका घर को गई, तो अगच्छत की जगह आप गतवती कर सकते हो और वो नपुंसकलिंग में गतवत। इस प्रकार से खाद धातु है और उसमें जब कत्वतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है खादित्वान, खादित्वती, खादितेवत, खादित्वान, खादित्वती, खादित्वत। इसी प्रकार से देखो क्री धातु है और कत्वतु प्रत्यय है तो क्या बनता है कृत्वान, कृतवती, कृतवत। हंस धातु है हंसने अर्थ में, हंस धातु हूं कत्वतु प्रत्यय है कि नहीं, तो हसितवान, हसितवती और हसितवत, हसितवान, हसितवती, हसितवत। आगे देखो चल धातु है कत्वतु प्रत्यय है। अब देखिए चलितवान, चलितवती, चलितवत। अब धातु है क्रीड, क्रीड धातु है और कत्वतु प्रत्यय है ना, तो क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत, ठीक है ना, क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत है कि नहीं। इसी प्रकार से रक्ष धातु है आपकी रक्षा करने अर्थ में, रक्षे धातु कत्वतु प्रत्यय है ना, तो
रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षिते वत, इस प्रकार से। अब बच्चों देखो, ये आपका हो गया कत और कत्वतु प्रत्यय दोनों भूतकाल में। ये आपकी अब तक जितने प्रत्यय पढ़ाए गए वो मैंने आपको पढ़ाए कृदंत प्रत्यय, जो धातुओं में प्रयुक्त होते हैं। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहाँ होते हैं? वे प्रत्यय जो शब्दों में लगते हैं। किस में लगते हैं? शब्दों के अंदर प्रयुक्त होते हैं। और तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तरप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तरप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तरप प्रत्यय। तो देखिए बच्चों कि तरप प्रत्यय कहां लगता है, किसमें प्रयुक्त होता है, इसके विषय में। तो सबसे पहले यह है प्रत्यय शब्दों में दो में से एक को श्रेष्ठ बताने, क्या कह रहे हैं? यह प्रत्यय शब्दों में दो में से एक को श्रेष्ठ बताने पर प्रयुक्त होता है। इसका तर शेष रहता है, जिससे श्रेष्ठ बताया, जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में, पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत तथा नपुंसक लिंग में फलवत इसके रूपे, फलवत इसके रूपे इसके रूप चलते हैं। अब देखो इसके उदाहरण, जब दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तब इसका प्रयोग होता है। जैसे राम से श्याम श्रेष्ठ है, राम से जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। तो राम से तो रामात श्याम है, अब श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ तरह अस्ति। अच्छा, राम रमा से सीता, तो रमाया सीता श्रेष्ठ तरा अस्ति। अच्छा, इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में कि पत्र से पुष्प श्रेष्ठ है, तो पत्रात पुष्पम श्रेष्ठ तरम अस्ति। अब देखिए इसके उदाहरण, ये प्रत्यय किस में लगता है? शब्दों में।
तो इसका देखिए उदाहरण है, एक श्रेष्ठ शब्द है और तरप प्रत्यय है। अब देखिए कि पुल्लिंग में क्या बनता है, श्रेष्ठ तरह, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठ तरह, नपुंसकलिंग में श्रेष्ठ तरम। अब ये आपका हो गया पुल्लिंग, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग बच्चों, ये आपका हो गया नपुंसकलिंग, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार से श्रेष्ठ का अर्थ होता है अच्छा उत्तम। अब एक गुरु, गुरु का अर्थ होता है बड़ा विशाल। गुरु शब्द है और उसके अंदर आपने तरप प्रत्यय जोड़ दिया तो बनेगा गुरु तरह है, गुरु तरह, गुरु तरम, गुरु तरह है, गुरु तरह, गुरु तरम। आई बात समझिए, इसी प्रकार से उच्च शब्द है, उच्च शब्द है ना, तरप प्रत्यय है ना, तो उच्च तरह है, उच्च तरह, उच्च तरम। देखिए दीर्घ शब्द है, दीर्घ अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ शब्द है और तरप प्रत्यय है, ठीक है ना। तो दीर्घ तरह है, दीर्घ तरह, दीर्घ तरम, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए निम्न शब्द है और तरप प्रत्यय है, क्या बनेगा, निम्न तरह है, निम्न तरह, निम्न तरम, ठीक है। मैं आपको देखिए इसके दो तीन उदाहरणों के बाद एक अनुवाद का वाक्य बताता हूं बच्चों, तब आपके देखिए फिर मैंने एक शब्द है पटु, पटु शब्द है, तरप प्रत्यय है, पटु तरह है, पटु तरा, पटु तरम। अब ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। अब देखिए मैं इसका आपको एक अनुवाद का उदाहरण बताता हूं, राम से श्याम श्रेष्ठ। मैंने कहा दो में से, राम से श्याम श्रेष्ठ है, दो में से एक को श्रेष्ठ बताने पर यह तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो जिससे बताया जाता है उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाती है, पंचमी व्यक्ति हो जाती है। तो बच्चों देखो राम से बना गया रामात, श्याम है, अब पुल्लिंग है राम तो श्रेष्ठ तरह, स्त्रीलिंग होता तो श्रेष्ठ तरह अस्ति, समझ में आ गया, राम से श्याम श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आपको यह अनुवाद में भी क्या होता है, यह प्रत्यय सहायक होता है और बड़े महत्वपूर्ण है, एक अनुवाद इस प्रकार का आता है। अब बच्चों देखो तमप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, तमप प्रत्यय है, कि तमप प्रत्यय के अंदर देखिए क्या होता है कि यह भी शब्दों में लगने वाला प्रत्यय है, परंतु जब तरप प्रत्यय दो में से एक को श्रेष्ठ बताने पर लगता है तो तमप प्रत्यय जहां बहुतु में से एक का निर्धारण होता है वहां पर प्रयुक्त होता है। तो देखिए यह है प्रत्यय
शब्दों में बहुतों में से एक का निर्धारण करने पर यह प्रत्यय शब्दों में बहुतों में से एक का निर्धारण करने पर किया जाता है। इसका तम शेष रहता है तथा जिनसे निर्धारण होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती। देखिए तथा जिनसे निर्धारण होता है, जैसे कक्षा में मैंने कह दिया अनिल लंबा है, समझ आया कि नहीं। अब दसवीं क्लास में देखो मैंने कह दिया कि कक्षा में अनिल सबसे लंबा है, तो बड़ा है, छोटा है, मोटा है, या चतुर है, पटु है, निपुण है, इस प्रकार से। तो देखो उदाहरण इसका, जैसे पटु शब्द है, और आपका जब इसमें तमप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है, देखो पुल्लिंग में पटु तम है, स्त्रीलिंग में पटु तमा, नपुंसकलिंग में पटु तमम, पटुतम है, पटुतमा, पटुतमम। अब देखिए आगे कि एक शब्द है दीर्घ, दीर्घ शब्द है और उसमें अपन तमप प्रत्यय जोड़ते हैं तो दीर्घतम है, दीर्घतमा, दीर्घ तमम। इसी प्रकार से एक शब्द है श्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ शब्द है और उसके अंदर अपन ने जोड़ दिया तमप प्रत्यय है तो क्या बनेगा, श्रेष्ठ तम है, श्रेष्ठ तमा और श्रेष्ठ तमम, श्रेष्ठ तम है, श्रेष्ठ तमा, श्रेष्ठ तमम। इस प्रकार से आपका लघु शब्द है, लघु शब्द है तमप प्रत्यय है कि नहीं। तो देखिए लघु तम है, लघु तमा, लघु तमम, है ना। इसी प्रकार से देखिए गुरु शब्द है तमप प्रत्यय है ना, तो बनेगा गुरु तम है, गुरु तमा और गुरु तमम, ठीक है। अब इसके देखिए इसी की तरह यानी पंचमी व्यक्ति तरह प्रत्यय में और इसमें षष्ठी या सप्तमी,
अब इसका देखिए उदाहरण देखिए आप कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे उदाहरण है अनुवाद का, यह प्रत्यय कहां पर प्रयुक्त होता है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जब अपन कारक पढ़ेंगे उपद व्यक्ति में तो वहां पर इस प्रत्यय का भी यथस्थ निर्धारण, जहां बहुतों में से एक का निर्धारण होता है वहां पर षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। यथस्थ निर्धारण सूत्र होता है, वो कहता है कि जहां बहुतों में से एक का निर्धारण हुआ षष्ठी या सप्तमी। तो यहां पर देखिए कवियों में, तो या तो आप इसको कह दीजिए कवि नाम, यह भी सही है, या इसको कह दीजिए कविशु। यह दोनों ही व्यक्ति जहां बहुतों में से एक का निर्धारण षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति होती है। कालिदास है, अब प्रत्यय कौन सा प्रयोग करेंगे, मैंने कहा तम प्रत्यय, तो श्रेष्ठ तम है अस्ति, समझ में आ गया। इस प्रकार से यहां पर पूछा जाएगा आपसे का उपद व्यक्ति के अंदर ये वाक्य दे देंगे और ये शब्द दे देंगे कि रेखांकित पद में विभक्ति और कारण बताओ, तो आप कहेंगे षष्ठी विभक्ति है, अगर ये दिया हो तो कह देंगे सप्तमी विभक्ति है, और कारण में लिख देंगे तमप प्रत्यय के कारण। किसके कारण, तमप प्रत्यय के कारण, जहां बहुतों में से एक का निर्धारण होता है वहां पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जिसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। धन्यवाद। कल अपन उसके बाद जो तमप प्रत्यय और तर प्रत्यय के बाद आगे जो प्रत्यय हैं उनको पढ़ेंगे। इनको आप अच्छी तरह से याद करना। धन्यवाद।